के शर्मा जी, चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके लिए क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि उनको किसी तानाशाह से उनकी तुलना की जाए? नहीं तो आप मुझे बताइए कि जहां की मुख्यमंत्री सरेआम जो है पुलिस कह रही है, दूसरी बात उसकी जो है ममता बनर्जी कह रही है कि देसी कट्टा चलाया गया है, पुलिस जो है कह रही है कि हम गन नहीं चलाते हैं, और सरेआम उनके नाक के नीचे जो वहां पर हत्या हो रही है और पुलिस को जो कब्जे में उसमें लेके बैठी हुई है ममता बनर्जी, इनको क्या कहा जाए? आपने नहीं देखा जब इनके पुलिस कमिश्नर के पास सीबीआई का वो पड़ा था तो यही ममता बनर्जी ने जाकर उनके घर पे सामने खड़ी हो गई थी ना। ये मुख्यमंत्री, एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री का ये तरीका होता है? ये आप एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री का तरीका होता है कि आप जो है गवर्नर को घुसने ना दो, उसकी गाड़ी वो रुकवा दो? ये तरीके होते हैं क्या? पश्चिम बंगाल जो है भारत से अलग हो गया? नहीं, लेकिन के शर्मा जी, जो तानाशाह प्रवृत्ति जो उन्होंने अपनाया हुआ है, लेकिन के शर्मा जी लोकतांत्रिक तरीका भी है ना ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने का, जो आप तमाम आरोप उन पर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अगर त्रस्त है उनसे तो उन्हें चुनाव में बाहर कर देगी, आपको चुन लेगी, लेकिन क्या भाषा का संयम राजनीति में नहीं रखना चाहिए? या अब वो खत्म हो चुका है, किसी भी हद तक जाकर एक दूसरे पर हमला किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल जरूर है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।